जय वाले सभी बच्चे और पेरेंट्स अभिभावक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं रिवीजन के तौर पर लेसन नंबर 3 नया स्टार्ट करता हूँ। इसमें एक उदाहरण है। निम्नलिखित सूचना एक फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों की आय प्रदर्शित करता, इसका माध्य ज्ञात करना है। आय दिया हुआ है, मजदूरी की संख्या भी दिया हुआ है, मध्य मूल्य यानी वर्ग चिन्ह DI निकाला, FD निकाला हुआ है। अभी वर्ग आया इसलिए DI निकाला है। इसमें 2000 से 3000, 3 से 4, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 60 से 8, 8 से 9 ऐसे आय दी हुई है। इसमें मजदूरी संख्या 2000-3000 में 2 मजदूर, 3 से 4 में 3, 4 से 5 में 7, 5 से 6 में 15, 6 से 7 में 25, 7000-8000 से 16 और 8 से 9 12। इस तरह से मजदूर की संख्या है। तो सबसे पहले आय जो दिया हुआ है उसका 2000-3000 योग करेंगे 5000, 5000 में 2 से भागकर 2500, दूसरे में 7000, 7000 में 2 से भागकर 3500, इसमें 1000 का डिफरेंस है, इसलिए आपका 2500 आएगा, 3500 आएगा, 4500, 55, 65, 75 और 8500। अभी DI निकाला हूँ, XI माइनस A के लिए 5500 बीच में संख्या निकाली है, 5500 निकाला दिया हुआ है और C बराबर 1000 दिया हुआ है। 5500 लेंगे ना तो किसी में पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। ऐसे तो 5000-6000 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी संख्या X में जो आई है ना 2500-3500-4500, इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तब बीच वाली संख्या 5500 लिया हुआ है, 55 में से 2500 निकालेंगे और 1000 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 3000 में 2, 1000 भाग कर 3 आएगा माइनस 3। उसी तरह 3500 में माइनस 2, 45 में माइनस 1, 55 0, 65 1, 75 में 55 निकालेंगे तो 2000 का 1000 से भाग करके 2, 3000 का 2000 से भाग कर 3। तो इस तरह से आपका FIDI माइनस 75 आता है, 75100 है। और F दिया हुआ है आपका 80 N, तो ये प्लस सिग्मा FIDI बटे में N, तो माइनस 5500 74 बटे में 80 गुणा 1000 आने चाहिए 1000। ये एक्स बार बराबर 6425 आता है गुणा भाग करने से। तो इस तरह से आपका आय का जो प्रदर्शित करना है, माध्य निकालना है, ये निकाल लिया। अभी माध्य का गुण दोष, इसका गुणा परिभाषा निश्चित है, गणना सरल है। परिभाषा क्यों है कि भाई इसका जितना भी अवलोकन है ये सभी अवलोकन का योग करना और अवलोकन की जो संख्या है संख्या से भाग करने वाला, परिभाषा बहुत इजी है उसकी। यदि आवृत्ति दिया हो तो FIXI है उसका योग करना बटे में सिग्मा FI से भाग करेंगे तो भी आ जाएगा। अभी आपका गुण है, परिभाषा निश्चित है, गणना सरल है, सभी अवलोकनों पर आधारित है, बेसिक जो क्रिया है के लिए अनुकूल है। गणना में सभी अवलोकन का समान महत्व दिया जाता है, जितने भी अवलोकन होता है ये सबका योग किया जाता है। अभी दोष क्या है,
कि बड़े और छोटे हम लोगों का प्रभाव अधिक पड़ता है, ये बड़े है और छोटे उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। आलेख द्वारा अथवा मात्र निरीक्षण से उसके निश्चित मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अवलोकन की मात्रा मूल्य जो है सभी अवलोकन का निश्चित नहीं है, डिफरेंस है, अलग अलग। अवलोकन कम हो तो निश्चित मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह से जो माध्य है, ये माध्य का एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। आप समझ लें, जय हिंद, जय भारत।